नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल tutelf.com पर स्वागत है। अब तक मैं आशा करती हूँ कि आपने सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो हमने पिछली क्लास में हमारे पढ़ा था मोशन। मोशन होता है किसी चीज़ की गति, दूरी जो वो तय करता है कुछ समय में। मोशन क्या होता है? जब हमारी किसी भी चीज़ की पोजीशन या लोकेशन समय के साथ बदलती है विद रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, तो उसको बोलते हैं मोशन। ये दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, दोनों कुछ कुछ दूरी तय कर रहे हैं और हमारे पास टाइम रिकॉर्डिंग्स यहाँ हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ मोशन किस प्रकार का हो रहा है, कैसे पहचानते हैं। तो मैंने ये टेबल बना रखी है। टाइम जो है मिनट्स में है और डिस्टेंस मीटर में है। मैं आपको पहले ही बोलती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इंश्योर कीजिए कि जो यूनिट्स है वो सेम हो, पर क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हम यूनिट्स जो है वो टाइम की मिनट्स में रहने दे सकते हैं। तो पहले हमारा टाइम के लिए देखते हैं टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कैसे निकालते हैं? जो मेरा फाइनल टाइम है वो है 9:45 और इनिशियल है 9:30। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आएगा 15, क्योंकि ये आवर्स हमारे सेम हैं तो मिनट्स में चेंज आया तो हमारा टाइम हो गया 15। मैं मिनट दोबारा नहीं लिखूंगी क्योंकि हमारी जो मिनट है वो ऊपर पहले ही मेंशन कर दी गई है। दूसरे केस, दूसरे टाइम इंटरवल के लिए भी 15 मिनट है, फिर से 15 मिनट है, फिर से 15 मिनट है और इसी प्रकार आगे भी 15 मिनट है। तो क्योंकि पूरा टाइम इंटरवल सेम है हर एक केस के लिए, तो मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड है जो है 15 मिनट। अब हम देखेंगे कि कितनी दूरी तय कर रहा है, ए मीटर्स में निकलेगा और ए के लिए हम देख रहे हैं। तो पहले टाइम इंटरवल, पहले 15 मिनट में ये 10 मीटर कर रहा है, फिर से 10 मीटर, फिर से 10 मीटर, फिर से 10 मीटर और फिर से 10 मीटर, फिर से 10 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल की जा रही है हर टाइम इंटरवल ऑफ 15 मिनट में, जो कि है 10 मीटर। अब ऑब्जेक्ट बी के लिए देखते हैं। पहले इंटरवल में इसने तय किया 7 मीटर, फिर इसने किया 4 मीटर, फिर किया 12 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर इसने किया 4 मीटर और फिर 3 मीटर। तो यहाँ पे हमारी अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो कवर हो रही है, तो हम इसे कहेंगे कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन देखते हैं। जो हमारा ए है उसमें हमारा यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमारी बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसलिए इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इसका जो ग्राफ होता है वो एक ऑब्लिक स्ट्रेट लाइन होता है क्योंकि हर एक टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस है वो फिक्स डिस्टेंस ट्रैवल की जा रही है, इसीलिए इसका ग्राफ जो है वो इस प्रकार का आएगा। अभी हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है इसमें ये हमारा जो बी बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म दिखा रहा है क्योंकि वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम पीरियड 15 मिनट, अनइक्वल आप देख ही सकते हैं कैसा है। इसका जो ग्राफ होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, मतलब उसका हम कुछ कह नहीं सकते हैं, वो या तो ऐसा हो सकता है या इस प्रकार हो सकता है या किसी भी टाइप का हो सकता है। इसमें हमारा जो डिस्टेंस होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में अलग अलग होता है। जैसे पहले एक सेकंड में अगर मैं देखूं तो ये कवर कर रहा है हमारा 20 मीटर और फिर अगली टाइम इंटरवल 2 में ये हमारा कुछ और ट्रैवल कर रहा है, तो ये फिक्स नहीं होता। अब यहाँ पे आप दो गाड़ियां देख सकते हैं। ये गाड़ी को मैं ए बोल देती हूँ। हमें पहचानना है कि इसमें किसमें यूनिफॉर्म हो रहा है, किसमें नॉन यूनिफॉर्म। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में है। हाँ जी, दोनों में स्ट्रेट लाइन है। तो पहले ए लेते हैं। जो ए है, जब हमारा इसमें स्टॉप लगाया, ब्रेक लगाया या जब हमारा स्पीड ब्रेकर आया, तो उस टाइम में जो डिस्टेंस उस टाइम पीरियड में होगा वो कुछ अलग होगा। तो इसलिए अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म। बी में हमारा, क्योंकि ये एक सामान्य गति से चल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन हुआ इन यूनिफॉर्म टाइम। आशा करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। दोनों में पहले ध्यान दीजिएगा कि ये स्ट्रेट लाइन में हो। स्ट्रेट लाइन में होने के बाद हम इसको कहेंगे कि हमारी जो दूरी है वो कितनी तय हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इससे हम पता कर सकते हैं। लेट समराइज। सो टाइप ऑफ मोशन इज ऑफ टू टाइप, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। दोनों ही स्ट्रेट पाथ पे होते हैं, इसका हमें खास ध्यान रखना होता है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम गिव्स अस यूनिफॉर्म मोशन एंड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम गिव्स अस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है और इसमें हमारा ग्राफ कुछ फिक्स नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो टाइमलाइन है वो सेकंड्स में है, तो यहाँ 10 हुआ, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर
ये सेकंड्स की जगह मिनट्स में होना चाहिए था, क्योंकि आप इतने किलोमीटर इतने सेकंड्स में नहीं कर सकते हैं. सिमिलरली यहाँ भी सेकंड्स ही मिनट्स होना चाहिए था. यहाँ देखिए, पहले इसने 4 किलोमीटर किया, फिर 10 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 12, 13, और तो इस प्रकार ये अनइक्वल डिस्टेंस हुआ. सो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो प्लीज हमारी प्लेलिस्ट देखिए. अभी हम मोशन चैप्टर कवर कर रहे हैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी सीबीएसई का. प्लीज डू सब्सक्राइब, और आप हमारी tutorial.com वेबसाइट भी जा सकते हैं. वहां पे आपको फर्स्ट से 12th तक का साइंस और मैथ्स का सारा कंटेंट मिलेगा फॉर, और उसके बाद आप उसमें टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं जिनकी प्रॉपर ग्रेडिंग होगी. थैंक यू सो मच. स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, हैव अ ग्रेट डे. बाय बाय.